ये हमारे एक भाई हैं जिनका सवाल ये है कि फ़र्ज़ नमाजों के बाद अल्लाह अकबर कहना चाहिए कि नहीं देखिए हिंदुस्तान में अहिस्ों के यहाँ ये रवाज है कि फ़र्ज़ नमाज के ख़त्म होने के बाद ज़ोर से अल्लाह अकबर कहते हैं और ये बहुत ज़माने से ये अमल अहलेों में चला आ रहा है लेकिन जब से यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा सऊदी अरब वगैरह जाना हुआ है और वहाँ उन लोगों ने यह मुशाह किया कि फ़र्ज़ नमाजों के बाद अल्लाह अल्ला अकबर कोई नहीं कहता तो फिर ये मसला बहुत ज़्यादा उठ रहा है और ये सवाल बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है कि फ़र्ज नमाजों के बाद ज़ोर से अल्लाह अकबर कहेंगे कि नहीं कहेंगे भाई साहब का सवाल ये है कि ये सुन्नत है कि नहीं बल्कि इन्होंने ये भी पूछा है कि अल्लाह के नबी सुनने या किसी हदीस में हो तो ऐसा तो नहीं कि ये तालीम के लिए हो बताने के लिए हो तो हो सकता है कहीं पर इनकी बातचीत तो हुई हो इस तरह की बात कही गई हो तो देखिए इस बारे में हदीस बहुत ही क्लियर और बहुत ही वाज है ये बात अल्लाह के नबीसम की हदीस सेबित है सही मुस्लिम वगैरह की रवायत है सही बुखारी में भी है इबन बस रजन हदीस करावी हैं कहते हैं कि कन्ना नार्फिन क़दा सलात रसोल्लासम भी तकबीर कहते हैं कि हम अल्लाह के नबीम की नमाज के ख़त्म होने को जानते थे तकबीर के ज़रिए यानी नमाज के बाद ज़ोर से तकबीर की जाती थी और वो एक अलामत थी कि नमाज ख़त्म हो चुकी है यानी अगर दूर कोई आदमी हो तो तकबीर की आवाज़ सुनता था और ये इशारा होता था कि अभी जमात खत्म हो चुकी है सलाम फेरा जा चुका है तो ये हदीस बहुत ही वाज तौर पर बताती है कि फ़र्ज नमाजों के बाद ज़ोर से अल्लाह अकबर कहना ये साहब कराम का मामूल था अल्लाह के नबी साथ साहब कराम ऐसा करते थे इसलिए इसमें कोई ऐब की बात नहीं है ये अमल करना चाहिए जो इस पर अमल करते हैं ये बाकायदा हदीस पे अमल करते हैं इस पे एतराज की गुंजाइश नहीं है हाँ जो दीगर मजाहिब हैं ख़ासतौर से फ़िक़ह हम्बली है जिनके फतावे आमतौर से ज़्यादा चलते हैं हदीसों में बहुत ज़्यादा उनके फतावे लिए जाते हैं तो उनके यहाँ ये अमल नहीं है और वो इस चीज़ को आम तौर से इस चीज़ को सुन्नत नहीं मानते कुछ लोग मानते भी हैं लेकिन अक्सरियत उनकी इसको सुन्नत नहीं मानती है और भी बहुत सारे मजाहिब वाले इसको सुन्नत नहीं मानते हैं लेकिन बहरहाल सलफ़ में भी और उलमा और महदसिन में भी बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जो इसको बाकायदा सुन्नत मानते हैं और इस चीज़ को सही समझते हैं कि नमाज के बाद अल्लाह अकबर कहना चाहिए और उसी पर अहले हदीसों का अमल है तो ये जो हदीस है सही मुस्लिम सही बुखारी वगैरह की इस हदीस से मसला साबित है इसलिए इस पर अमल करना हदीस पर अमल है बिल्कुल सही बात है और इस हदीस की जो ख़्वा मखाए तावील की जाती है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है जो हजरत इस हदीस पे अमल नहीं करते हैं ऐसा नहीं कि वो इस हदीस को नहीं जानते उनके सामने भी ये हदीस है और ये हदीस रखी गई है बहुत सारे हदीस उलमा ने इस हदीस को आम किया है लोगों को बताया है बहुत सारे लोगों ने कबूल किया है लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बहाने तलाश किए उसमें से एक उजरी ये है कि यह हदीसी सही नहीं है भाई इसकी सनत पर भी कलाम इसके सबूत पर कलाम है बावजूद इसके कि ये बुखारी में है मुस्लिम में है फिर भी कुछ लोगों ने इस पर नक़द किया है और ये एक बात कहने की कोशिश की है कि यह हदीस सही है ही नहीं मैं इसमें ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि सही मुस्लिम में हदीस है और सही मुस्लिम में इस हदीस का होना ही इस बात की ज़मानत है कि हदीस सही है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा तफसील करने की ज़रूरत नहीं है और दूसरी बात यह कहने की कोशिश की गई है कि ये तालीम के लिए था यानी लोगों को बताने के लिए ऐसा किया जाता लोगों को बताने के लिए किया जाता था तो कोई एक शख्स करता अल्लाह के नबी सब ने कभी किया होता या किसी साहबी ने किया होता लेकिन हदीस का मतन इस तावील के साथ नहीं देता हदीस के मतन में तो ये बात है कि हम नमाज के अख्ताम को समझते थे तकबीर के जरिए इससे दो बातें पता चलती हैं एक तो ये कि ये कई लोगों का अमल था और दूसरा है कि ये अमल मुसलसल हो रहा था तभी तो इसको अलामत कहा गया नमाज के खत्म होने का तो इसलिए इस मतन के होते हुए ये कहने की गुंजाइश नहीं है कि तालीम के लिए था हमारे जिस भाई ने सवाल किया उन्होंने ये बात कही है सवाल में उन्होंने भी ये सवाल में इस बात का जिक्र किया है कि ऐसा तो नहीं कि ये तालीम के लिए था ये तालीम के लिए नहीं था यह बाकायदा एक सुन्नत है सहाबिक राम ने इस पर अमल किया है और अल्लाह के नबी सु ने इसका इकरार किया है और भी बहुत सारी तावील की गई हैं बहुत सारी बातें कही गई उन सब पर हमारी नजर है लेकिन हकीकत में उनमें कोई दम नहीं है हदीस अपने आप में बहुत ही वाज़े है हदीस का मतन बहुत वाज़े है और एक खाली उस जहन शख्स अगर ये हदीस सुने तो इस बात को तस्लीम के बगैर नहीं रह सकता कि फ़र नमाजों के बाद अहले हदीसों का जो अमल है अल्ला उबर कहना वो बिल्कुल ठीक है हदीस के मुताबिक है उस पर किसी तरह की कोई एतराज़ की गुंजाइश नहीं है और जो लोग इस पर अमल नहीं करते वो कितनी भी तावील कर लें कितनी भी कोशिश कर लें कितना भी कुछ कर लें बहरहाल वो अपने आप को तसली दे सकते हैं लेकिन इस हदीस के खिलाफ वो किसी भी तावील को लेकर अपनी बात को फोकियत नहीं दे सकते हैं उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा